धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र में बन पड़े ऑक्सीजन प्लांट को 150 लोगों की टीम ने 90 दिनों में तैयार होने वाला ऑक्सीजन प्लांट को मात्र 11 दिनों में ही तैयार कर दिया। प्लांट का ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। 24 घंटे शुद्धता जांच के बाद मंगलवार से 40 टन ऑक्सीजन रोज मिलने लगेगी। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर नंबर 3 में 3 साल से बंद ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया। वहीं प्लांट को चालू करने में 3 महीने का वक्त लग सकता था, मगर चंद दिनों में ही 24 घंटे की कड़ी मेहनत और एकेविन के अधिकारियों की मदद से करीब 30 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन अब देशवासियों को मिलेगा। प्लांट को शुरू करने में मुख्य भूमिका जिला प्रशासन और औद्योगिक विभाग की रही। सभी जरूरी मंजूरियां हाथों हाथ जारी की गई। वहीं प्लांट तक सड़क भी बनाई गई। नतीजा प्लांट शुरू हो गया। इसके लिए कंपनी के मालिक करण मित्तल ने 40 लाख रुपए खर्च किए। मुंबई से ऑक्सीजन मीटर और अहमदाबाद से दूसरी मशीनें मंगवाई गई। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। रोल सर, एमसीएल ग्लोबल इसका नाम है जी। और ये 3 साल से प्लांट बंद पड़े थे। इसमें कम से कम रात दिन मिला के 24 घंटा आदमी काम किया, 150 आदमी सुपर फिटर वेल्डर सब लेबर सब मिला के जी। और ये 90 दिन का काम था, 4 दिन में कंप्लीट हो गया जी। तो सर ये चूंकि 90 दिन का काम 4 दिन में किया है, तो कितनी मेहनत लगी है सर यहाँ? वो सब रात दिन काम हुआ है, मजदूर पूरे आदमी काम किया है रात दिन। अच्छा, ये प्लांट सर अभी शुरू होने में कितना टाइम लगेगा? बस आज रात में चालू हो जाएगा। अच्छा, तो सर आज से ऑक्सीजन बाहर सप्लाई होना? ऑक्सीजन कल रात से नहीं तो परसों सवेरे से मिलेगा। अच्छा सर, जी सर आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा निर्मल कुमार सिंह तोमर है, मैं ऑक्सीजन प्लांट का हेड हूँ जी। सर बताइए सर, ये जो ऑक्सीजन प्लांट इतने जल्दी शुरू किया गया है, कहा जा रहा है कि 90 दिन की मेहनत थी लेकिन उसे आप लोगों ने 4 दिन में कंप्लीट किया, क्या टेक्निकली चीज़ें लगी इसमें सर? सबसे पहली बात तो ये जो प्लांट 3 से 3.5 साल से पहले बंद था जी, उसको चालू करने के पहले हम लोगों को इसके कोरोगेशन मतलब इसमें जंग क्या लगी हुई है, क्या चीज़ें हैं, उन्हें देखना था। सारे पार्ट्स की रिपेयरिंग की गई सबसे पहले। उस पार्ट्स की रिपेयरिंग करने के बाद ये पता चला कि इस कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं है जी, अवेलेबल हैं बाहर, तो अहमदाबाद मुंबई दिल्ली और इंदौर वहाँ पर एक उन कंपोनेंट्स को हमने बुलाया जी। बुलाने के लिए जो भी प्रशासनिक स्तर से शासन स्तर से जो भी मदद हुई, बॉर्डर क्रॉसिंग हुई इस कोविड काल में हम लोगों द्वारा वो की गई थी, इसमें पूरे प्रशासन का बहुत अच्छा योगदान है। अच्छा सर, जिस तरह ये 90 दिनों का काम आप लोगों ने 4 दिनों में किया है, तो किस तरह से लोगों ने यहाँ पर 24 घंटे काम किए, क्या सारी चीज़ें रहीं सर? सबसे पहली बात तो 90 दिनों का काम जो 4 दिन में कंप्लीट किया उसके लिए हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट एक रूल बनाया था जी, कि हमको एक ही वर्कर को 24 घंटा काम नहीं कराना है जी। हम लोगों के पास 130-150 लोग थे, उन 150 में हम लोगों ने 3 टीमें डिवाइड की थी कि 8-8 घंटे को हम लोगों को काम कराना है, और उन 8 घंटे में इफ़िशेंट यूज़ करके उस पार्ट्स को कैसे असेंबल करना है, कैसे सर्विस करना है। आप देख ही रहे हैं पीछे जी, लगातार अभी भी ये लोग अपने अपने पार्ट्स का अपने अपने स्कोप का काम कर रहे हैं, और हम अभी इस स्थिति में हैं कि हम इसका ट्रायल थोड़ी देर में लेने वाले हैं और कल तक मोस्ट प्रोबेबली इसको चालू कर देंगे। तो मतलब ये माना जा सकता है कि अब जल्द ही यहाँ से भी ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो लोगों को देखने को मिलेगी? बिल्कुल, यहाँ से ये समझिए 30 टन ऑक्सीजन पर डे जी, ये मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्लांट रहेगा। 30 टन ऑक्सीजन पर डे यानी कि 3.5 से 4 हज़ार सिलेंडर पर डे हम लोग यहाँ से वॉकआउट कर सकते हैं जी। रही बात इंदौर की, तो अगर जैसे ही हम इसको प्रोडक्शन में लेते हैं तो पीथमपुर इंदौर और इसके आसपास का एरिया इस हफ्ते में कैडर हो जाएगा। इस कैटरिंग के बाद और प्रशासनिक स्तर पर जो भी बात होती है तो और जो एक्सेस ऑक्सीजन है उसको अन्य राज्यों में भी पहुंचाने की बात जो है प्रशासनिक स्तर पर की जा सकती है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम मार्तंड सिरोलिया है, मैं सहायक यंत्री MPIDC AKVN इंदौर से हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।